हमने तिवारी जी से कहा कि थाने के सामने सांड क्यों खड़ा, ये बोले यहाँ की पुलिस बहुत गऊ है। जब मैं आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही। मैं रुक गया, मैंने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही, और मैं इनकी बीबी को गले लगा लूं भले हमको कोरोना हो जाए। ये दौलत भी ले लो शोहरत भी ले लो, श्रोता उब गया, बोला इसकी औरत भी ले लो, जब सब कुछ दे ही रहा है ये तो, ये क्या मतलब इस तरह के सब पढ़ने। हमने कहा प्रभु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। जब मैं आया तो रोड से आ रहा था तो मैंने एक आदमी से पूछा कि कोच के लिए यही सड़क जाती, तो उसने कहा आऊ का। जब यहाँ आ गया तो मैंने कहा रामकुंड यही, तो एक आदमी बोला आऊ का। तिवारी जी मिल गए, हमने कहा लगता है कार्यक्रम के संयोजक आप ही, ये बोले जी हाँ। तो हमने कहा आदरणीय तिवारी जी ये बताइए यहाँ जालौन में दो लोग आऊ का बोलते हैं, आप जी हाँ क्यों बोले? बोले नरकंकाल जो पढ़े नहीं होते वो आऊ का बोलते, जो पढ़े होते वो जी हाँ बोलते। तो मैंने कहा आप पढ़े हो? बोले आऊ का। आप थाने के ऊपर पढ़ रहे थे, जब मैं आया तो एक थाने के सामने सांड खड़ा था। हमने तिवारी जी से कहा कि थाने के सामने सांड क्यों खड़ा, ये बोले यहाँ की पुलिस बहुत गऊ है। ही न करो तालियां बजाओ जोरदार अगर आपको समझ में आ रहा। आदरणी चांद जी की वाइफ को जब डिलीवरी होने वाली थी तो इन्होंने शोले फिल्म 20 बार दिखा दिया। अब आप जानते हो कि जब कोई चीज दिखाई जाती तो गर्भ में भी संस्कार पड़ जाते हैं। इनकी वाइफ की जिस दिन डिलीवरी होनी थी अस्पताल में वो एडमिट थी, ये बाहर जो है चहलकदमी कर रहे थे, अंदर से नर्स आई, इन्होंने नर्स से पूछा क्या हुआ, तो नर्स बोली बेटा हुआ है। तो ये बोले कैसा है? तो नर्स ने कहा डायलॉग पे डायलॉग मार रहा। तो इन्होंने कहा क्या डायलॉग मार रहा? तो नर्स बोली मम्मी का गला दबा के पूछ रहा है बोल कितने आदमी थे। तो ये सारी चीजें, अभी ये संजीव कुल श्रेष्ठ और वो गजल पढ़ रहे थे, ये शायर मेरे एक समझ में नहीं आता कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। एक बार भगवान कसम शेर के दिमाग में लोग आ जाएं, कामें खत्म हो जाए, प्यार मोहब्बत पे तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते कि न जाने जिंदगी की किस गली में आबरू नीलाम हो जाए, इन बुजुर्गों का क्या भरोसा कब कौन आशाराम हो जाए। तो शेर लिखना तो इस तरह लिखो प्यार मोहब्बत पे। अब प्यार मोहब्बत पे क्या लिखा, एक हसीना पे मेरा दिल आ गया, बाद में बिजली का बिल आ गया। आप कहो दिल निपटाए, कहो बिजली का बिल भरे। वैसे मेरी चेसिस नहीं अलाउ करते प्यार, लेकिन यहाँ कोच में आया तो प्यार मोहब्बत हमने देखा तो मेरा हौसला हुआ कि प्यार पे पढ़ा जा सकता है। जब मैं आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही। मैं रुक गया, मैंने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ के बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। एक लड़के से हमने पूछ लिया, बेटा एक क्वेश्चन पूछा, चांद जी आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे मैं बिल्कुल बराबर आपको दांत दे रहा हूँ। नहीं, दांत क्या दे रहे हो, रिंग कटर दो, दांत देने से क्या होगा, दांत दे रहे हो तो साथ में रिंग कटर भी दो। बिल्कुल देंगे। अच्छा चलिए, मैं चार पंक्तियाँ चांद के लिए चांद जी आपको मैं झोंक रहा हूँ। बिल्कुल झोंकी है। ये हमारी कुछ ज्यादा बेइज्जती खराब कर दिया है इन्होंने कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए। विधायक जी मैं भी ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम हूँ कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और मैं इनकी बीबी को गले लगा लूं भले हमको कोरोना हो जाए। ये तो अभी 100 mg की डोज दे रहा हूँ, नहीं फायदा हुआ तो सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर पे ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा संचालन करते हैं, इससे बढ़िया पशुपालन भी करते हैं, बहुत दिनों बाद हमको चांद जी मिले जी। बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छे ढंग से आप लोग सुन भी रहे हैं। अब जो लोग हमको बिना सुने चले गए हैं उनको हम श्राप ही दे सकते हैं कि जिस कार्य के लिए गए उसमें सफल नहीं होंगे वो। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। चलिए एक दो कविताएं पढ़ूंगा। हाँ देखिए, अभी प्रख्यात देशभक्ति की बात करके गया है मेरा छोटा भाई, मैं प्रख्यात के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे देश का देशभक्ति हमारे देश में ऐसे भी चल रही, बिना चीखे चिल्लाए भी देशभक्ति की जा सकती।
अबे एक हट्टा कट्टा आदमी हमको मिला, भीख मांग रहा था। हमने उससे कहा कैसे भारतीय हो जो भीख मांग रहे हो? बोला मैं भारतीय हूँ ही नहीं। मैंने कहा कौन हो? बोले पाकिस्तानी हूँ। तो हमने कहा यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो? बोला कहाँ मांगे? मैंने कहा अपने देश में जाके मांगो। तो बोला किससे मांगे? वहाँ सभी मांग रहे हैं। मैंने कहा इमरान खान से मांगो। तो उसने कहा गौर से देखो मैं वही हूँ। तो बहुत ज़्यादा किसी की। अभी मैं आया तो विकास बौखल ने हमसे कहा कि आज नरकंकाल 500 के छुट्टा ला दो। हमने दिए, इसने गिना तो बोले तो 130 हैं, 370 कहाँ? हम कहा ख़त्म है वो, उसकी चर्चा न करो। कितना अच्छा कार्य यहाँ पे होता, लेकिन विरोध करने वाले विरोध करते। अभी मैं आया तो एक आदमी लोटा लेके शौच जा रहा था। मैंने उसको डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, तुम लोटा लेके बाहर क्यों जा रहे हो? बोला तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो हमने कहा ऐसे विपक्ष की क्या मतलब? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई, इनको नमन करता हूँ। मातृशक्तियों को इसलिए नमन करता हूँ कि जब बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो, तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। किसी की हिम्मत नहीं, लिखो 2000 रुपये पितृ, नहीं आपका विड्रॉल ही नहीं पास होगा। अच्छा, हम तो इंसान हैं, इनसे भगवान तक जो है इनका सम्मान करते। एक बार एक महिला ने भगवान शंकर की तपस्या किया, भगवान शिव प्रकट हुए। महिला से बोले भगवान शिव की वरदान मांगो। तो महिला ने कहा प्रभु 3 वरदान चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने कहा देखो एक शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, मंजूर हो तो बताओ। तो महिला ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु हमारे खाते में 10 करोड़ आ जाएं, सास के खाते में 100 करोड़। महिला ने कहा मैं देश में सबसे सुंदर हो जाऊं, सास जो है विश्व सुंदरी हो गई। अब महिला ने सोचा जितना मैं मांगती हूँ उससे 10 गुना तो सास को मिल रहा। महिला ने कहा प्रभु अंतिम वरदान, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। तालियां बजाओ अगर समझ में आ गया हो। और सास को धड़ाधड़ सीधे ऊपर। तब से भगवान शिव त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। तो मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ। हमारे बार रंजना जी को भी आना है। हाँ, ये हमारे नौजवान पीढ़ी भी सुन रही है। मैं यहाँ तो एक लड़के से हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ जालौन है, मैं जानता हूँ यहाँ सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो बाप की नहीं सुनते आज कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मैंने एक लड़के से पूछा कि एक मोटरसाइकिल में 13 लोग कैसे बैठाओगे? उसने कहा गुरु जी 2 छक्के बैठाओ, आप चलाओ। समझ गए हो तो तालियां बजाओ। ये यहाँ के बौद्धिक क्षमता है, इस बौद्धिक क्षमता को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों भाई चांद जी? बिल्कुल सही बात है, ये सब बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा, छोटी छोटी। एक कविता प्यार मोहब्बत के नाम पढ़ूंगा और एक होली पे पढ़ूंगा, जिसके लिए विशेष आयोजन रखा गया है। और वो अवधि हास्य की होली मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत प्रणाम करता हूँ। ये शायद लोग गजल उजल पढ़ के थोड़ा हमारा मूड ऑफ कर दिए। हाँ नहीं, हम भी शेर पढ़ना चाहते थे। एक शायर कह रहा था कि ये दौलत भी ले लो, दौलत माने प्रॉपर्टी, फिर बोला ये शोहरत भी ले लो, शोहरत माने प्रसिद्धि। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा गजल पढ़ रहे हो मदरसा चला रहे हो? ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो। श्रोता ऊब गया, बोला इसकी औरत भी ले लो, जब सब कुछ दे ही रहा है ये, तो ये क्या मतलब इस तरह के सब पढ़ने? हाँ, प्यार मोहब्बत श्रृंगार क्या मतलब चांद भाई? हाँ भाई वाह। आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति को, गरिमाशाली उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। विधायक जी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश की बहुत बात की गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ देश का टेंशन आप लोग बिल्कुल न लें। देश मोदी जी चला रहे, योगी जी चला रहे, अभी नरकंकाल खुद ही जिंदा। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए चांद जी। योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए, जैसे उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। हमने कहा प्रभु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। और हमारे अर्जुन सिंह चांद का नाम प्रलयनाथ गोंडा स्वामी रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और राधिका मित्तल का नाम निमकी मुखिया रख दो, कोई हमें टेंशन है ही नहीं। एक बार तालियां बजाइए, मैं प्यार के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत पे कुछ पढ़ें।
एक दिन हमने प्रेमिका से कहा कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। प्रेमिका ने कहा मैं भी मर जाऊंगी। है आपको नहीं चेसिस नहीं लग रहा कि है? नहीं, इतना कोंचा है उसने कि हम इतना कुछ गए सूख के कि हम कोंच तक आ गए। नहीं, प्रेमिका से हमने कहा मैं भी मर जाऊंगा तो बोली तुम काहे मर जाओगे। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, महबूबा की शादी हो गई दो दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रहे ताजमहल एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। लेकिन फिर भी आप लोगों को हौसला बढ़ाता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, और लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए।